Welcome friends. Today we will start our new chapter number 5, Electrochemistry. In this chapter there is some part which will excluded from your syllabus. In that there is introduction, electrolytic or ionic conduction, and information provided by measurement of conductivities of solution. These portions are deleted from this video lecture. Now in that part we have to see some introductory slides, because before introduction there is no meaning to go forward. That's why these slides for introduction are just for the reference and understanding. Now before starting our electrochemistry chapter, first of all we will see, can you recall? That is a part of your textbook. In that, first is, what is redox reaction? Now redox reaction means when oxidation and reduction process carried out simultaneously. That's are called as redox reaction. Now second one is, which form of energy is converted into electrical energy in dry cell? Dry cell means जो हम लोग हमारे यहाँ पर रिमोट कंट्रोल या कोई वॉचेस हैं, ऐसे इसमें जो पेंसिल सेल यूज करते हैं उसी को हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ड्राई सेल बोलते हैं. और ये जो ड्राई सेल हैं, इन दैट ड्राई सेल केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड विच इज देन कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ हाउ इज NaOH मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम NaCl? NaCl से हम लोग NaOH किस तरीके से बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले वी हैव टू टेक NaCl सॉल्यूशन, एक्वस NaCl सॉल्यूशन जो वाटर में डिजॉल्व किया हुआ है, एंड दिस एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज पासिस थ्रू द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस होता है, दैट टाइम the sodium will reacts with the water and there is a formation of NaOH which will get deposited at the cathode. और ये जो process है, इस process को हम लोग chloroalkali process ऐसे भी बोलते हैं. Okay, now we will see what is the introduction of this electrochemistry. ये electrochemistry क्या है? अब जब हम लोग देखते हैं कि electrochemistry. अब इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट. और केमिस्ट्री अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें हमेशा हमें केमिकल रिएक्शंस ये दिखता है. तो इसीलिए हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्या कहा हुआ है? व्हेन केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देन इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज करके हम लोग दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी. यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है थ्रू द सॉल्यूशन, फिर वो एक्वस स्टेट में हो या वो मोल्टन स्टेट में हो, उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है देन दैट सॉल्यूशन विल अंडरगोज आयोनाइजेशन. इस जिस किसी भी सॉल्ट का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसका क्या होगा? आयोनाइजेशन होकर कटायंस एंड अनायंस फॉर्म होते हैं. और हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है देर इज़ अ नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट द केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट. अब जब हम लोग इसे देखते हैं तो उसमें कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये दोनों हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में दिखते हैं. अब इसको अगर हम लोग इसको एप्लीकेशंस देखते हैं तो जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग देखते हैं तो उसमें ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है दीज आर प्रोवाइडिंग एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस. क्यों?
तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे मोटर ऑटोमोबाइल्स हैं या फिर हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, ऑल दैट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस विल शोज अस द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके बगैर हम कुछ आगे चल सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए जो भी यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। कुछ केमिकल्स के जो मैन्युफैक्चरिंग होता है जो हमारे इसमें इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे केमिकल्स जैसे NaOH, इसका अगर हम लोग किसी दूसरे मेथड से सिंथेसिस करना चाहें तो हम लोग उसे नहीं कर सकते हैं। बट बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दीज मैन्युफैक्चरिंग्स आर इसेंशियल। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिन। देन प्रोसेसेस लाइक इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। और यहाँ पर क्या होता है, दोनों वे से मीन्स कभी कभी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मीन्स केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट होकर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो किसी कंडीशन में केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ वी विल सी इलेक्ट्रिक कंडक्शन। अब कंडक्शन मीन्स क्या होता है? कंडक्शन मीन्स फ्लो ऑफ करंट। अब जब यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट हो रहा है तो क्या ट्रांसफर होगा वहाँ से? देर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ चार्ज और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। जैसे कंडक्टर हम लोग देखते हैं कि मेटल कंडक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एंड से दूसरे एंड तक जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन। अ चार्ज ट्रांसफर और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकर्स थ्रू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और इसके हमें दो टाइप्स दिखते हैं, एक है मेटालिक कंडक्टर एंड सेकेंड है आयोनिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अब इन दोनों में से आपके सिलेबस में अभी सिर्फ मेटालिक कंडक्टर्स ही हैं, बुक में दोनों दिए हुए हैं, बट जो आयोनिक एंड और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है वो अभी रिड्यूस्ड सिलेबस में आ गया है, उसमें रिडक्शन उसका हुआ है, तो इसलिए हम लोग अभी सिर्फ मेटालिक कंडक्शन ही देखेंगे। अब मेटालिक कंडक्शन मीन्स यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा करंट फ्लो करने के लिए? यहाँ पर मेटल रिस्पॉन्सिबल होता है टू ट्रांसफर अ चार्ज और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू द अदर। अब इलेक्ट्रॉन जब मेटल से ट्रांसफर हो रहा है तो मेटल की मेन टेंडेंसी क्या होती है? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम लोग मेटल नॉन मेटल देखते हैं तो उसमें हमारे इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक मेटल का क्या होता है? इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। और यही जो उसकी प्रॉपर्टी है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी द मेटालिक कंडक्शन विल डन, या मेटल हम लोग एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव, यहाँ से एक एंड से वो दूसरे एंड तक इजीली जा सकते हैं अगर हम लोग उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं तो। ठीक है, मीन्स एक साइड पर, एक एंड पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दिया तभी एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एज द मेटालिक कंडक्शन। अब अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो सभी मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेटालिक कंडक्टर्स, वो एज अ कंडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प करते हैं। देन अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो सॉल्यूशंस हम लोग यूज करते हैं,
क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो मेन बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें आयोनाइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जितने आयन्स ज़्यादा फॉर्म होंगे उतना ज़्यादा करंट वहाँ से फ्लो होगा। इसलिए सब सॉल्यूशंस जो हमारे होते हैं उसके भी अलग अलग टाइप्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब जो मेन हमारा सॉल्यूशन है वो हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा है हमारा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मीन्स इसमें से आप कितना भी करंट पास करोगे तो भी यहाँ पर उसके आयन्स फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल आप देखते हो यूरिया एंड सुक्रोज। वही उसका सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइट विच विल सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस होते हैं, दीज इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस आर अगेन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन जब आप उस सब्सटेंस को एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में लेकर आते हो तो उसका मोस्ट ऑफ द आयन्स विल फॉर्म, ठीक है। सो जो कंपाउंड है उसको उसके आयन्स यहाँ पर इजीली फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। 100% उसका आयोनाइजेशन प्रोसेस हो सकता है। ऐसे जो कुछ भी सॉल्ट्स है दीज आर कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जैसे KCl, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, NaOH, ऑल दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सपोज आपने 100 ग्राम KCl डिजॉल्व किया वाटर में तो यहाँ पर K+ एंड Cl- आयन्स सभी के फॉर्म हो जाएंगे, ओके। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जहाँ पर कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है दीज आर कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमने एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, इसको अगर आप डिसॉल्व करोगे तो कम्प्लीटली यहाँ पर एसिटेट आयन्स और H+ आयन्स फॉर्म नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको हमने इसे डिफरेंशिएट किया हुआ है। अब इन सॉल्यूशंस में किस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो ये हम लोग देखेंगे अंडर द टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। अब जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है हमारा? V=IR। अब जो R है उसको इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो हम लोग इसे कैसे करेंगे? R=V/I। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट एंड R इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इसे अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो हमारा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का? ओम। ओम =  वोल्ट पर एम्पियर। अब ये जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हम लोग देखते हैं उसको हम लोग डिनोट करेंगे जी से। और हमें पता है कंडक्टेंस इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, तो हम लोग इसे फिर से लिख सकते हैं G=I/R, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होगा? द यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज सीमेंस और उसको हम लोग नोट करते हैं एज अ एस। अब इसका यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का? सीमेन। और सीमेन को अगर हमें देखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओम इनवर्स या एम्पियर पर वोल्ट, या फिर अगर हमें उसके कूलम के फॉर्म में देना है तो कूलम के इसमें हम लोग दे सकते हैं कूलम वोल्ट इनवर्स सीमेन इनवर्स, ठीक है। कूलम क्या है हमारा? द
दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, कूलम इज इक्वल टू एम्पियर, मीन्स करंट जो भी कुछ है एम्पियर में मल्टीप्लाइड बाय द सीमेन। और इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजर करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, व्हेन द टू इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड एट द सेंटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर डिफरेंस रखा है, एक्सटर्नली उसको हमने अटैच किया, कनेक्ट किया हुआ है, तो उस कंडीशन में कितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वो अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर जो होता है, तो जितनी हमारे कंडक्टर की लेंथ होगी और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस एक बार हमें पता चल गया तो उसका रेसिप्रोकल लेकर हम लोग कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। कंडक्टेंस हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर हमें रेजिस्टेंस पता चल गया तो रेजिस्टेंस से हम लोग कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द मेटालिक कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उसको अगर हम लोग प्रपोर्शनैलिटी साइन रिमूव कर देते हैं तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, और रो क्या है हमारा, दैट इज द प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट एंड कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, रो को हमने क्या कहा है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। और ये जो होता है कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दैट इज यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, मीन्स हम लोग यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसकी लेंथ लेंगे 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया होगा 1 मीटर स्क्वेयर। अब कंडक्टिविटी हमें देखना है, जैसे हमने देखा था G इज इक्वल टू 1/R, R हमें पता है यहाँ पर क्या है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। तो इसको हम लोग अगर अरेंज करते हैं जी के फॉर्म में तो हमारा क्या बन जाएगा, जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एंड इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जी का अगर हम लोग प्रपोर्शनैलिटी साइन निकाल देते हैं तो जी इज इक्वल टू के इंटू ए बाय एल, इस तरीके से बन जाएगा। और उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्यूब हमने लिया हुआ, यूनिट क्यूब मीन्स उसके लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सभी 1 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है 1 यूनिट होंगे। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी जो मेजर करते हैं कंडक्टिविटी, उसके लिए फार्मूला हमें यूज करना है जी इज इक्वल टू ए अपॉन। नाउ वी विल सी मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशंस जो 1 मोल जिसमें 1 मोल सब्सटेंस डिजॉल्व किया हुआ है। ओके, कंडक्टिविटी हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस हम लोग देखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ आयंस कितने फॉर्म हो रहे हैं उस पर डिपेंड रहता है। तो हमने क्या किया है, एक सेल में हमने सॉल्यूशन लिया है 1 मोल सब्सटेंस का, ठीक है, उसको हमने पर्टिकुलर वॉल्यूम में 1 मोल सब्सटेंस डिजॉल्व किया है। अब जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तब यहाँ पर क्या होता है, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयंस विल टेक प्लेस। अब जहाँ पर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर आयंस कैसे फॉर्म होंगे, नेचुरली वहाँ पर जो आयंस हैं that ions are also more in number, और अगर ions ज़्यादा हैं तो उसमें conductivity क्या होंगी, conductivity भी वहाँ पर ज़्यादा होंगी। ठीक है, thus हमने क्या कहा है, the molar conductivity of an electrolyte solution is the electrical conductivity k divided by its molar concentration c। उस तरीके से हमने उसे define किया है।
अब ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये हम लोग लैम्डा के से डिनोट करते हैं एंड इट इज के डिवाइडेड बाय सी. के इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. अब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज सीमन मीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स. ठीक है, यूनिट क्या है इसका कंडक्टिविटी का? सीमन मीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स. और वही अगर हमें ओम्स केस में देना है तो उसको हम लोग लिखेंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स. ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसे डिनोट करते हैं. अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें देखना है. अब यहाँ पर साइड में जो आपको डायग्राम दिख रही है इसमें हमने क्या किया है, वी आर टेकिंग टू इलेक्ट्रोड्स हियर विच आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से वो यूनिट डिस्टेंस पर हमने प्लेस किए हुए हैं और देन इट इज़ अटैच टू द बैटरी. अब बैटरी का अटैचमेंट जैसे है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर दैट इलेक्ट्रोड्स आर एक्ट एज कैथोड एंड एनोड. और जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा देन द केमिकल रिएक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विल गेट्स स्टार्टेड. अब उसमें से हमें पता चलेगा व्हेन सच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर वर्किंग इन दैट केस, उसमें हमने मोलर सॉल्यूशन लिया हुआ है तो जितने भी आयंस यहाँ पर फॉर्म होते हैं फ्रॉम दैट वी कैन डिटरमाइन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये भी हम लोग उसमें से निकाल सकते हैं और उस सॉल्यूशन की आयोनिक स्ट्रेंथ क्या है वो भी हमें यहाँ से पता चल सकता है. ओके, दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी. नाउ वी विल सी द रिलेशन बिटवीन के एंड लैम्डा. के मीन्स हमारा है मोलर कंडक्टिविटी एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी. अब जो के है दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 cm³ ऑफ द सॉल्यूशन. और हमारा सीमन लैम्डा कैसे निकालेंगे हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? व्हेन 1 mole ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन cm³ इट्स कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल मोलर कंडक्टेंस. बाय मिस्टेक देयर इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हुआ बट वहाँ पर मोलर कंडक्टेंस चाहिए. तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो 1 cm³ प्रपोर्शन में वी वॉल्यूम का कंडक्टेंस हमें के मिलेगा. तो टोटल कंडक्टेंस वी वॉल्यूम क्यूब में कितना होगा? इट इज के इंटू वी, मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो भी है मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम. अब हमें पता है जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है जो लैम्डा है दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंटू वी. और कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारे इसमें? सी मोल्स पर लीटर. जितना भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं दैट इज द सी. अब सपोज हम लोग इसे डिसॉल्व करते हैं 1000 ml में, यूनिट वॉल्यूम हमने लिया हुआ है 1 cm³. तो दैट टाइम वी विल डिनोट इट एज सी मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय 1000 cm³ पर लीटर. हमने क्या लिया है यहाँ पर? उसके वॉल्यूम से हमने उसे डिवाइड किया हुआ है तो हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा? जो भी हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है, अब वॉल्यूम क्या हो गया हमारे सॉल्यूशन का? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 mole ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. देयरफॉर V इज इक्वल टू 1 by concentration. कॉन्सेंट्रेशन क्या निकाला हमने यहाँ पर? C/1000. अगर उसको हम लोग यहाँ पर पुटअप करते हैं तो हमारा V क्या बन जाएगा? 1000/C मोल इनवर्स. और यही वैल्यू अगर हम लोग
इस इक्वेशन नंबर वन जो है हमारा लैम्डा इज इक्वल टू के वी, उसमें अगर रखते हैं तो हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या बन जाएगी, इट इक्वल्स टू 1000 के अपॉन सी। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1000 के अपॉन सी। थैंक यू।